Hey everyone, welcome in CLAT Point. Let's start today's the Hindu News discussion, जो कि CLAT, ALIT, DU LLB, LLM, NLS and another law entrance test आप देंगे आप लोगों के लिए important हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आज का हमारा quiz का question है, Who among the following is the supreme commander of Indian Armed Force? I think बहुत ही obvious answer है, comment section में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक टेस्ट। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके बहुत ही रीजनेबल प्राइसेज में इन कोर्स या मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। 2022 के सारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। दो आर्टिकल जो है ना वो भारत के वीट एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा था उससे रिलेटेड है, तो उन दोनों को देखेंगे कंबाइन करके, प्लस एक ईरान के ऊपर आया हुआ है तो एक इसको देखेंगे, ठीक है। फिर चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। हुआ क्या है, कुछ समय पहले भारतीय सरकार ने जो है वो एक आदेश दिया था कि वीट के एक्सपोर्ट पे हम बैन लगा रहे हैं, लेकिन फिर काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ, फॉरेन कंट्रीज से भी काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद एक इनडायरेक्टली मतलब यू टर्न लिया गया है और गवर्नमेंट फिर से पुनः विचार कर रही है, कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट गवर्नमेंट के तरफ से आई है। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये वीट के ऊपर बैन क्यों लगाया था, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन क्यों लगाया था। देखिए मामला क्या है ना, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है वसूली करना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो सरकार जो है ना वो किसानों से जो वसूली करती है उसे प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। वसूली मतलब जब खरीदते हैं, जो गेहूँ खरीदा जाता है। तो जो प्रोक्योरमेंट वीट का है ना वो ऐसा बोला जा रहा था कि इस बार 15 साल में पहली बार इतना कम होगा, 18.5 मिलियन टन के आसपास प्रोक्योरमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये लोवेस्ट है, 2007 और 8 के बाद इतना कम कभी हुआ नहीं है जितना इस बार हो रहा है। अब पहले तो ये जानते हैं कि यार ये प्रोक्योरमेंट इतना कम हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि जो गेहूं है उसकी फसल जो है उसमें सरकार के पास उतने मात्रा में अब नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। तो एक तो आप लोगों ने बहुत ही ऑब्वियस रीजन बिल्कुल सही सोचा है कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, जिसके वजह से किसानों को जो है वो फसलें ज़्यादा मतलब बिक चुकी हैं और वो एक्सपोर्ट हो गया है वर्ल्ड की कंट्रीज में। क्योंकि देखो अगर आप नंबर्स देखेंगे ना तो टॉप 5 कंट्रीज में रशिया एंड यूक्रेन भी हैं जो गेहूं का उत्पादन करता है। अब क्या हुआ, जब रशिया यूक्रेन मार्केट में इतना ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं रह गए हैं तो भारत से काफ़ी सारा वीट एक्सपोर्ट हो गया था। तो एक तो ये कारण है कि भारत में अभी गेहूं की थोड़ी सी कमी फील हो रही है गवर्नमेंट को। दूसरा क्या कारण है गाइस, दूसरा कारण यहां पे ये है कि गेहूं जो है ना जब फसल उगती है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर उसमें कंडीशन चाहिए होती है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि मार्च महीने के अंदर ना थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ गई, जिसके वजह से काफी सारी फसलें जो है ना वो नुकसान हो गई। तो ये भी एक कारण है। तीसरा एक कारण है कि होर्डिंग बाय ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे ना उन्होंने फसलों को, गेहूं की बेसिकली बात हो रही है, गेहूं की फसल को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं, गेहूं की फसल को रोक रखा है। क्यों ऐसा रोक रखा है, क्योंकि उनको पता है कि रशिया यूक्रेन के वजह से कल को गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं, तो ये तब गेहूं को आगे पहुंचाएंगे जब इनका ज़्यादा फायदा होगा। और कुछ किसानों ने भी अपनी फसलों की कटाई को जो थोड़ा सा और डिले कर दिया है, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि जब गेहूं का ज़्यादा मात्रा में उन्हें पैसा मिले तब वो बेचे। इसके बाद अब यहाँ पे ना देखो आगे मैं बढ़ूँ कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, देश का क्या नुकसान होगा, ये सब मैंने आपको बता भी रखा है। फिर भी समझ लेते हैं कि सरकार काफ़ी सारी स्कीम चलाती है जिसकी वजह से गेहूं में ये कमी आती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार जो ये फ्रीबीज दिए जा रहे हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सब है। लेकिन अब क्या होगा ना, अब सरकार जो है मिड डे मील और इस तरीके की स्कीम के लिए तो गेहूं आराम से दे पाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्कीम्स होती है ना वहाँ पर सरकार को प्रॉब्लम होगी। तो ये तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से क्या है भाई, गेहूं महंगा हो सकता है, आटा महंगा हो सकता है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो है वो महंगी हो सकती है। सरकार ने इसको कर्ब करने के लिए क्या किया, सरकार ने जो एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से गेहूं भारत में कम हो रहा था अभी, या मात्रा जो कम हो जा रही थी वो एक्सपोर्ट था, उस पर रोक लगा दिया कि भैया गेहूं का हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि पहले अपने आप को संभालो फिर बाहरी कंट्रीज का देखो। तो इंडिया जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ने लगा, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। अभी देखो क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इस पे आइए, ये वाला जो हमारा पेज है ना इसमें मैंने आपको दो कारण बताए थे कि व्यापारियों ने और किसानों ने दोनों ने फसलों को रोक रखा है।
अब क्या हुआ ना, जब सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया तो जितने व्यापारी जिन्होंने ये चीजें रोक रखी थी, जो बहुत सारे किसान भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने दिमाग लगाया था कि हम महंगे दामों में बेचेंगे, वो लोग अब महंगे दामों में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट पे बैन लगा। तो सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन ही इसलिए लगाया है कि गेहूं के दाम जो है ना वो इंडिया में बढ़े ना, और इसी वजह से अब जो है ना क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि भैया आप तो किसानों का भला ही नहीं चाह रहे हो, अगर वो महंगे दाम पे बिक रहा था तो बेचने दो ना। तो पहला तो ये, दूसरा ये कि वर्ल्ड को इन द एंड हम क्या चाहते हैं, इन द एंड हम चाहते हैं हमारे पास फॉरेन रिजर्व हो। आज आपके पास फॉरेन रिजर्व कमाने का इतना सारा तरीका है गेहूं के थ्रू, तो आप उसको नहीं कमा रहे हो। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, यही इस आर्टिकल में जो राइटर है इन्होंने भी कहा है, जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर एक और आर्टिकल जो आया था एक ये वीट कंफ्यूजन करके, दोनों में मिला जुला के यही बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा वीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वीट का जो उगने के लिए सोइंग टाइम पर टेम्परेचर चाहिए होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, एंड कटाई एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रेनफॉल जो है ना करीबन 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। जिन्होंने 9th-10th की ज्योग्राफी याद होगी तब भी हमने ये पढ़ा था, 11th-12th में जिनके पास आर्ट्स थी तो उनको तो अच्छे से पता होगा ये। वीट जो ग्रोइंग रीजन्स है ना भारत के अंदर वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यूक्रेन जो है वो 5th नंबर पे है एंड रशिया वॉज ऑन थर्ड। तो अभी क्या हुआ था ना, देखो जब रशिया एंड यूक्रेन में काफी ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था या फिर सप्लाई चेन ही ब्रेक हो चुकी है, तो हुआ क्या कि भैया वर्ल्ड में वीट की बहुत डिमांड है। ऐसा नहीं है कि वीट सिर्फ इंडिया में खाया जाता है, हमारे यहाँ भी आप अगर आप देखो तो अलग अलग रीजन में वीट का अलग अलग तरीके से सेवन करते हैं। जैसे कि आप साउथ इंडिया में चले जाओगे ना तो वहाँ पे रोटी नहीं मिलती, वहाँ पे वीट का परोठा या फिर कुछ इस तरीके के और भी उनकी चीजें होती हैं जो बनती हैं। नॉर्थ में कुछ अलग यूज होता होगा, ऐसे ही वर्ल्ड में ना ब्रेड के लिए वीट का बहुत यूज होता है। इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे भी जो रोटी है उसका सेवन किया जाता है, बस थोड़ी अलग तरीके की होती है, उनको तंदूर में बनाया जाता है, बट दे यूज वीट ओनली। जो मैदा है वो क्या है, वो वीट का ही और रिफाइंड फॉर्म है। तो ये सारी चीजें जो हैं, वीट जो है इसलिए बहुत ही वर्ल्ड में एक बहुत ही जरूरी फसल है, और उसकी कमी की वजह से चीजें खराब हो रही थी। तो इंडिया का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ईरान रीजनल सेंट्रलिटी एंड आइसोलेशन, ये क्या है। हामिद अंसारी साहब ने ईरान के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, हमें इस आर्टिकल में इतना कुछ नहीं निकल रहा है जो हमें पढ़ना नहीं है। ईरान का नाम आया है और ये कंटेक्स्ट जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील से ही है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में एक डील हुई थी जिसका शॉर्ट फॉर्म है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसे P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं। P5 कंट्रीज, अपने दिमाग में वीडियो को पॉज करके याद करने की कोशिश करो, वन कौन है, जर्मनी है। इसके अंदर हुआ ये कि ईरान के ऊपर से जो सेंक्शन है वो हटा दिए जाएंगे और ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। ओबामा जी के समय में ये चीज थी तब चीजें चली, फिर क्या हुआ, फिर ट्रंप आए, उन्होंने इस डील से यूएसए को बाहर लिया, ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाए, अपने मित्र कंट्री से भी कहा कि भैया जो है ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाओ। तो इस तरीके की चीजें थी। फिर अब बाइडेन आए हुए हैं तो ऐसा उम्मीद है कि ईरान को वापस से रिवाइव कर लिया जाएगा। ईरान भी काफी आइसोलेट हो चुका है, काफी सेंक्शन लग चुके हैं। तो ये है, वैसे तो देखा जाए ना तो ये जो P5 कंट्रीज हैं एक्सेप्ट यूएस, इन्होंने इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म निकाला था ईरान से ट्रेड करने के लिए। मतलब देखो सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप का ये निजी एक फैसला है और ईरान को उन्होंने निकाल दिया है और ईरान के ऊपर सेंक्शन लग चुके हैं। तो इंस्टेक्स बार्टर मैकेनिज्म बेसिकली ये था कि यूरोपियन कंट्रीज जो है मोस्टली वो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे लेकिन डॉलर में नहीं। बार्टर मतलब समझते हो, हम लोग इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम होता था कि आप चावल दो मैं गेहूं दो, तो इस तरीके का ट्रेड मैकेनिज्म निकाला था, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया, उसे किया नहीं किसी ने, बस बताया कि हम करेंगे करेंगे। तो ये है, देखो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है ना, ये मिलके बुली करते हैं, आप कितना भी कह लो लेकिन ये ग्रुप है। और जब भी मैं वेस्टर्न कंट्रीज का नाम लेता हूँ ना, इवन आई फील न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज देयर, इवन आई मतलब आई डोंट फील, ऐसा एक्चुअली में है। आप पढ़ेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के नाम में तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी काउंट किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो यूरोपियन साइड में बस हम उन्हें ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये एक साथ सेंक्शन लगाती है तब उस कंट्री की हालत खराब हो जाती है, और इसीलिए तो अभी एक नया जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है रशिया, चाइना, इंडिया के द्वारा। कल को देखो, क्योंकि क्या है ना, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी या फिर इनके सेंक्शन से हर कोई परेशान है। आप ऐसी कंट्रीज उठा के देख लो जहां जहां पे सेंक्शन लगाए गए हैं यूएस के द्वारा, उस कंट्री की क्या हालत हुई है। एक
चलो उस जगह का नाम बताओ, छोड़ो ये किसी और दिन करेंगे क्योंकि आज फालतू में टॉपिक अननेसेसरी कहीं हम लग जा रहे हैं। सेंटर बियरिंग फुल ड्यूटी कट बर्डन, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ऐसा कहा है। हुआ क्या, सरकार ने भैया पेट्रोल डीजल का दाम कम किया है, तो हुआ क्या उसमें, उसमें ये हुआ कि भैया ये कह रहे हैं कि स्टेट का टैक्स तो नहीं काट रहे हो कहीं आप, तो सीतारमन जी ने बोला है हम हमारे पोर्शन में से काट रहे हैं, स्टेट वाले को हमने नहीं छेड़ा, स्टेट वाले अपना पैसा कमाएंगे टैक्स के थ्रू, तो ये बोला है। अब आपके सामने देखिए ग्राफ है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ये दिल्ली का आंकड़ा है कि सेंटर गवर्नमेंट ने टैक्स के थ्रू कितना कमाया है और दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना कमाया है ऑयल के प्राइसेस में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो स्टेट होता है ना उसको इतना फायदा नहीं हो पाता, उनका स्टेट लाइन ही काइंड ऑफ चल रहा है, सेंटर गवर्नमेंट का ज्यादा भी हुआ कम भी हुआ, तो ये एक आंकड़ा दिया है इन्होंने हिंदू वालों ने, है ना। संगीता कालानिधि अवार्ड अनाउंस्ड, अच्छा है, अच्छा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं। तो संगीता कालानिधि जो अवार्ड है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ काइनेटिक म्यूजिक। ये अवार्ड जो है इसमें आपको गोल्ड मेडल एंड बिरुदु पत्र दिया जाता है, एक साइटेशन लिख के, बिरुदु पत्र आप गूगल करके एक बार देख लो, मैं इमेज लगा रहा था पता नहीं क्यों आई नहीं यहाँ पे। द अवार्ड इज कंफर्म बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी, कौन देता है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी इसको देती है। मद्रास म्यूजिक अकेडमी जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके 1927 मद्रास सेशन के साथ स्थापित हुई थी, और इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है, तो ये एक ऐसा इंडिया का एंशियंट म्यूजिक का फॉर्म है जो कि मोस्टली साउदर्न इंडिया में प्रचलित था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इवन श्रीलंका के अंदर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, डाइवर्जेंट व्यूज ऑन कृष्ण जन्मभूमि ऑर्डर। देखो क्या हुआ, एक एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, काफी चर्चा में आ चुका है, वाराणसी वाला इंसिडेंट हुआ, अब वो कृष्ण जन्मभूमि के मामले पे भी चीज आ चुकी है। देखिए देखने में मिला है कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज हु अलाउड द सिविल रिवीजन पिटीशन ऑफ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एंड अदर प्राइवेट पार्टीज, उन्होंने ये भी कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो 1991 है वो इस मामले पे नहीं लागू होगा। ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, देखो ऐसा इन्होंने बोला है कि 1991 से पहले ये एक्ट आया नहीं था, 1991 के पहले ये मामला जो है ना ये डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया था दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट करके, लेकिन उस एग्रीमेंट में फ्रॉडलेंट तरीके से वो किया गया और जो प्रॉपर बातें थी वो नहीं की गई, इसी वजह से ये एक्ट जो है इस पे नहीं लागू होगा और ये मामला जो है अब ये कोर्ट में सुना जाएगा। अब इसके ऊपर क्या है, देखिए जो शाही ईदगाह के जो लॉयर हैं, द लॉयर्स ऑफ द शाही ईदगाह, दे आर सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट को अब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, वरना ये जो एक्ट है ना इसका यूज अपने तरीके से कोर्ट जो है इंटरप्रिटेट करेंगे और काफी सारे मामले और भी फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जो कि काफी हद तक सही बात है। ठीक है, इसमें और ऐसा सच कुछ जानने के लिए है नहीं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, अभी 2 दिन पहले ही किया है, अगर फिर आएगा तो किसी दिन आना ही है, तब उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यूक्रेन की बड़ी तगड़ी फोटो आई हुई है। हुआ क्या है, जेलेंस्की जी से मिलने पहुंचे हुए हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट आंड्रेज डूडा। तो आंड्रेज डूडा जो है वो पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं। अब थोड़ा सा पोलैंड का मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ, देखिए रशिया ज्यादा दूर है नहीं, तो ये बताओ ये रशिया से डरा क्यों नहीं फिर। बिल्कुल इसलिए डरा क्योंकि पोलैंड जो है ना वो नेटो का पार्ट है, 1999 में इट वाज एक्सेप्टेड एज ए फुल मेंबर ऑफ नेटो, और यही एक कारण है कि पोलैंड जो है बड़ा एग्रेसिवली ये चीज कर पाया, वरना ऐसे इतना आसान है नहीं कि रशिया के आसपास कोई कंट्री जो है वो ओपनली जाके जो है वो यूक्रेन में जाके यूक्रेन के सपोर्ट में बोल दे। तो वहाँ की पार्लियामेंट में जाके इन्होंने स्पीच भी दी है। पोलैंड प्रेसिडेंट ट्रेवल्स टू काइव, जेलेंस्की आस्क ईयू टू फास्ट ट्रैक यूक्रेन प्रपोजल टू ज्वाइन ब्लॉक। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एड रीचेस श्रीलंका पोर्ट, भारत ने श्रीलंका को राइस, मिल्क पाउडर, ड्रग्स, दवाइयां कोलंबो तक पहुंचाई हैं, मदद करी है। इंडिया जो है वो अपने नेबर की मदद कर रहा है जितना हद तक वो कर सकता है, और यही यहाँ पे न्यूज़ आपके सामने आई है। श्रीलंका की हालत आपको पता ही है, खस्ती है, क्यों खस्ता था एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इनके पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा था, क्यों खत्म हो रहा था, क्योंकि भैया इंपोर्ट बहुत कर रहे थे, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे, इतना सारा डेट उठा रखा था, रेड टेपिज्म था भैया, सरकार ही करप्ट थी ऊपर से लेके नीचे तक, सब पूरा परिवारवाद ही था। फिर इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन लगाए थे और खेती को ऑर्गेनिक करा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे किसानों का नुकसान हो गया था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोविड के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री इनकी जो है वो खत्म हो चुकी थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का पोर्शन था, श्रीलंका को कमा के देता था। वुमेन टीवी प्रेजेंटर कवर्स फेसेस इन काबुल, तो ये एक बड़ा
आश्चर्यचकित करने वाला फैसला नहीं बोलेंगे, क्योंकि तालिबान जब आया था तब उसने कहा था कि हम पहले शरीयत वरीयत कुछ नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखो कर रहे हैं। इवन शायद पॉलीगैमी को भी इन्होंने बैन कर दिया है, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं न्यूज़ में आज आया नहीं है, आएगा किसी दिन तो डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, वुमेन टीवी प्रेजेंटर्स कवर फेसेस इन काबुल। हुआ क्या कि भैया जो तालिबान है उन्होंने कहा है कि अगर आपको एंकरिंग करनी है न्यूज़ चैनल पे तो पूरा फेस कवर करके करना पड़ेगा। तो शुरू कर दिया है तालिबान ने अपना कोहराम मचाना। क्वाड मीटिंग फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना। क्वाड ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज, जापान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक में पीस एंड मेंटेन करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। शिंजो आबे जी का ब्रेन चाइल्ड था 2007 में। चाइना जो है इसको एंटी चाइना ग्रुप बोलता है। अभी क्या होने वाला, तो अभी देखिए टोक्यो में जो है क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए मोदी जी भी वहां पहुंचे हैं, और इस मीटिंग के चलते हुए ही चाइना ने जो है ये स्टेटमेंट दी है। चाइना को ये हमेशा लगता है कि ये जो क्वाड बनाया गया है वो चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया है, जो कि बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्वाड कभी भी ये नहीं बोलता है कि वी आर ए मिलिट्री अलायंस, जैसे कि नेटो बोलता है कि हम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, लेकिन क्वाड ने ऐसा नहीं बोला है। इंडो पैसिफिक में पीस एंड ऑर्डर के लिए बनी थी, और उसी के चलते हुए यहाँ पे चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड मीटिंग फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना, वुमेन टीवी प्रेजेंटर्स कवर फेसेस इन काबुल, इंडिया एड रीचेस श्रीलंका पोर्ट, पोलैंड के जो लीडर हैं वो पहुंचे हुए थे, हमने ये कृष्ण जन्मभूमि वाला ऑर्डर देखा, कार्नेटिक म्यूजिक, मद्रास म्यूजिक एकेडमी अवार्ड मिले हैं संगीत कालानिधि, सेंटर बियरिंग फुल ड्यूटी कट बर्डन, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है, ईरान के बारे में देखा, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में देखा, वीट का जो मसला आया था उसके बारे में देखा, और ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एक क्विज का क्वेश्चन है, इसको जरूर जवाब दीजिएगा कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। आप हमारे कोर्सेज मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए और देख लीजिए, डेमो क्लासेस भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।